जवाब देंगे, ना धर्म देखेंगे ना मजहब देखेंगे, जवाब अभी बातें मत, जवाब देता हूँ अभी बातें मत, एससी ग्राउंड धरती पे रही है, एससी किताबी का किताबी बातें नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, यहाँ किताबी बात नहीं हो रही, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। और जहां तक रही माइनॉरिटी एक सेपरेट ग्रुप में एससी एससी है नहीं, ऐसा माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन में एससी एससी है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में बैकवर्ड है कि नहीं, उस पे आ रहा हूँ आलोक जी, में बैकवर्ड है या नहीं आलोक जी, आ रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में एससी एससी है या नहीं, आ रही हूँ क्यों नहीं होगी। अरे सुनिए तो आलोक जी सुनिए, पूना पैक्ट हुआ था जिसके बाद उन्होंने डबल इलेक्टोरेट की बात की थी, उसके बाद उस पूना पैक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए एससी एससी का एक ग्रुप बना करके, और एससी एससी को ये अरे सुनिए पूरी बात, आलोक जी पूरी बात सुनिए, 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 आज की तारीख में जातिगत जनगणना जरूरी है सबके लिए, मेरे लिए भी, इसलिए क्योंकि आपको अपनी 5 साल की सरकार नजर आ रही है, इसलिए जात की जनगणना जरूरी है। सच्चाई यह है कि देश के किसी भी गरीब को अपनी जात की चिंता नहीं है। अरे हमारी सरकार को जातीय जनगणना से क्या लेना देना है, हमारी सरकार को जातीय जनगणना से क्या लेना देना है, क्या बात आप कर रहे हैं। बिहार में कहावत है मिश्रा जी, हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत, बिना मतलब का बात मत बोलिए, हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत गा रहे हैं महाराज। बिहार में अरे अब बिहार में कोई जातीय संघर्ष 2005 के बाद नहीं हुआ, ये भी याद रख लीजिए, 16 वर्ष जातीय संघर्ष राजनीतिक विफलता का परिणाम। कौशल जी रुकिए, संगीत रागी जी को अपना पॉइंट रखने दीजिए, एक संगीत रागी, एक सेकंड, संगीत रागी जी अलग, फिर मैं आ रही हूँ संबित जी, अमृत जी आ रही हूँ, एक सेकंड, अपने मिस्टर मिश्रा एक सेकंड, रागी जी, आलोक जी यदि समाजशास्त्र आप जानते हैं और बेहतर जानते हैं, तो जादव और कुर्मी बिहार के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर भी डोमिनेंट कास्ट है। आपको पंचायत इलेक्शन 2001 का यदि आंकड़ा कहेंगे तो जो जितने ये अपर कास्ट और जो दलित हैं, इनका कॉम्बिनेशन पंचायती राज के अंदर जिला परिषद में किसी आधार पर हुआ था, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जादवों के द्वारा ही सताए गए थे। इस कास्ट के लोग आज 15 साल से लालू जी का सत्ता रहा, एक यादव आइकन के तौर पर आप ले लेते हैं, एक कुर्मी आइकन के तौर पर नीतीश जी को ले लेते हैं, 32 साल से शासन चल रहा है लेकिन सामाजिक न्याय नहीं हुआ है, नहीं उनका आर्थिक पिछड़ेपन दूर हुआ है, क्या आप ये मान के चलते हैं। तो मुझे एक छोटा सा सवाल, ठीक है आलोक जी जल्दी से जवाब दीजिए, टाइम कम है। मैं एक जाति में जन्म लिया हूँ, उसके लिए मैं जीवन भर 75 साल तक मैं आपको संगीत रागी जी को बस ये बता देना चाहता हूँ कि इसलिए भी और जरूरी है संगीत रागी जी, आई शुड बी ट्रीटेड इक्वल, संगीत रागी जी यस यू शुड बी एंड व्हाई यू शुड बी। और मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि 1943 से लेकर आज तक 2021 में जानने की जरूरत है कि यादवों और कुर्मी का सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक आधार बदला या नहीं बदला, आपको क्या लगता नहीं है कि ये जानने की जरूरत है या नहीं। जिस तरह से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कास्तों की क्या स्थिति हुई 31 से लेकर आज 2021, ये जानने का अधिकार है या नहीं, और उसके तर उसके हिसाब से आरक्षण की पूर्ण विचार हम लोग करें कि नहीं, ये जानने की सच्चाई से भागते क्यों हैं। देखिए जाति और जाति के आधार पर राजनीति करने में कोई पीछे नहीं है, बीजेपी भी पीछे नहीं, विचार करेंगे सबका साथ सबका विकास के साथ आप आए थे, और हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी नए जो मंत्री बने हैं उन सबका स्वागत कर रहे थे, बड़ा बड़ा पीछे लगा था ओबीसी मंत्री और उनका स्वागत है ये स्टेज पर लिखा हुआ था। अब आपको जाति दिखने लगी ना, अब आप सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास भी पीएम ने इस बार जोड़ा है, ये सब एक ढकोसला साबित हो गया। देखिए अंजना जी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास तो हो ही रहा है, अगर ओबीसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने, अभी मुझे आश्चर्य हुआ कि यहां समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री जाति का रोना रो रहे हैं, क्या हो गया। प्रधानमंत्री अगर ओबीसी लीडर हैं, प्रधानमंत्री अगर बहुत ओबीसी से आके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये तो गर्व का विषय है, इसमें रोना रोना क्या होता है। हम तो जो ओबीसी के बारे में बात कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव जी तो अपने आप को मुल्ला मुलायम कह के इंट्रोड्यूस करते थे कि मुझे खाली मुलायम सिंह यादव मत बोलो, मुझे तो मुल्ला मुलायम कह के बोलो। तो आप ये अपीजमेंट की बात तो करना बंद कर दीजिए अंजना जी। 1931 तक जाति की गणना सेंसस में होती थी, 1931 से 2011 तक ये सिस्टम बंद था, तो ये सारे लोग अभी जग के हमें एकदम जोड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है इसमें राजनीति नहीं चर्चा होनी चाहिए।